वर्ष पर भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया गया है, जिसमें नागपुर महानगर पालिका की ओर से शनिवार को शताब्दी चौक से लेकर त्रिशरण चौक तक पदयात्रा निकाली गई। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हो रही हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के निर्देशानुसार नागपुर महानगर पालिका भी तिरंगा बांटने के अभियान में जुटा हुआ है। गौरतलब है कि मनपा ने अब तक शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्रों को 2,00,000 राष्ट्रीय ध्वज बांटे हैं। इनमें 130 निगम स्कूलों के 15,000 छात्र शामिल हैं। शनिवार को शताब्दी चौक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने इस अभियान के बारे में जानकारी दी। आजादी का अमृत महोत्सव, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवाचा खूब खूब शुभेच्छा देतो। आज या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने ही भव्य अशा प्रकारची तिरंगा रैली प्रभात फेरीच्या रूपाने आपण सगळ्यांनी काढली। आणि खरं म्हणजे इतना वरून मला सगळीकडे भारतचा तिरंगाच दिसतो आहे, इतकं सुंदर दृश्य आहे। प्रत्येकाच्या हातामध्ये देशाचा तिरंगा झेंडा डौला न फडकताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। बंधू भगिनींनो, हा तिरंगा केवळ झेंडा नाही, हा तिरंगा केवळ ध्वज नाही, तो आपला राष्ट्रध्वज आहे। या राष्ट्राच्या स्वाभिमानाचं प्रतीक आहे, राष्ट्राच्या अभिमानाचं प्रतीक आहे, आपल्या सगळ्यांच्या आत्मभानाचं प्रतीक हा आपला तिरंगा झेंडा आहे। ज्यावेळी एखादा नीरज चोप्रा हा भाले फेक मध्ये सुवर्ण पदक मिळवतो, त्यावेळी ते भारताला सुवर्ण पदक मिळालंय असं आपण का म्हणतो? कारण ते सुवर्ण पदक मिळाल्यानंतर भारताचा तिरंगा झेंडा सगळ्या राष्ट्रांमध्ये सगळ्यात वर नेला जातो आणि भारताचं राष्ट्रगीत तिथे गायलं जातं। आमचे सैनिक लढतात, देशाकरता लढतात आणि देशाकरता लढताना तिरंग्याचा मान ठेवत ते लढतात, तिरंग्याकडे पाहून लढतात। त्यांना जी स्फूर्ती मिळते ती आमच्या या राष्ट्रध्वजाकडे पाहून मिळते। आणि आमच्या सैनिकांच्या मनामध्ये त्यावेळी एकच विचार असतो, जिंकलो तर माझा तिरंगा लावीन आणि दुर्दैवाने शहीद झालो तर याच तिरंग्यात लपेटून आपल्या गावी मी परत जाईन, अशा प्रकारचा आमचा प्रतीक हा तिरंगा झेंडा आहे। या ध्वजाचेही काही नियम आहेत। कोणीही प्लॅस्टिकचा झेंडा लावणार नाही, प्लॅस्टिकचा झेंडा फेकून दिला जातो। आपलाच राष्ट्रध्वज हा जमिनीवर पडलेला आपण जर बघितला तर त्या शहीदांना आपण काय उत्तर देणार आहोत जे आपलं जीवन थारा तीर्थी ठेवतात आप तिरंग्याकरता लढताना। आणि म्हणून कुठेही प्लॅस्टिकचा झेंडा लावायचा नाही, झेंडा नीट लागला पाहिजे, तो योग्य वेळी लागला पाहिजे, योग्य वेळी त्या ठिकाणी त्याचे नियम आपण पाळले पाहिजेत। या सगळ्या गोष्टीची काळजी घ्या। आता ही तिरंगा यात्रा आपली संपल्यानंतर आपला तिरंगा योग्य प्रकारे जाईल। बता दें कि प्रशासन की ओर से सेंट्रल स्कूल की 30 टीमों ने झंडों का वितरण किया है। घरों में 6,00,000 तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में निगम और निजी स्कूलों के 4,00,000 छात्र हिस्सा लेंगे। जिस समय आप अपने घर में तिरंगा लगाने वाले हो उसके लिए भी देवेंद्र फडणवीस ने नियमों के बारे में जानकारी दी। लड़ला,
परिणाम भोगले पण चिंता केली नाही। छोट्यापासून मोठ्यापर्यंत प्रत्येक व्यक्ती हा त्या ठिकाणी भारत माता की जय म्हणत होता, फासावर दिलं तरी वंदे मातरम म्हणत होता। अशा या सगळ्या स्वातंत्र्य सेनानींना या ठिकाणी आपण नमन करूया आणि पुन्हा एकदा स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या आपल्या सगळ्यांना मी शुभेच्छा देतो। इतना ही नहीं, नागपुर शहर के 75 महत्वपूर्ण चौकों को भी आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर सजाया गया और रोशन कराया गया। म्युनिसिपल कमिश्नर राधाकृष्णन बी ने स्वैच्छिक संगठनों और नागरिकों से अभियान में भाग लेने की अपील की है। इनविजन न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ स्वप्निल बुंधाड़े की रिपोर्ट।